मुंबई, सात द्वीपों का समूह जो कोली समुदाय ने बसा। इस कमर्शियल कैपिटल में पूरे हिंदुस्तान से लोग आके बसने लग गए। और अगर दाबेली की बात करें, इनफैक्ट किसी भी स्नैक की बात करें, तो स्वाति स्नैक्स नाम की इस इंस्टीट्यूशन का नाम मुंबई में सबकी जुबान पे सबसे पहले आ जाता है। बट इसकी बड़ी हम्बल बिगिनिंग थी, बड़ी छोटी सी शुरुआत थी, जब मीनाक्षी बहन ने घर का खाना बना के और घर के फरसान बना के लोगों को खिलाना शुरू किया। ट्राई करें। आई कांट वेट। अतिथि देवो भव कहते हैं, अगर ये देखना है तो किसी भी गुजराती घर में चले जाइए। एंड वी सिटिंग इन द सेकेंड होम ऑफ आशा बहन, स्वाति स्नैक। एंड व्हाट यू सी हियर इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ व्हाट आई कैन ईट इन वन मील। आई कैन ईट अ लॉट मोर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। यू नो व्हाट, देयर आर दीज इंस्टीट्यूशंस दैट एक्चुअली बिल्ड द सिटी। आई थिंक स्वाति स्नैक्स इज वन सच इंस्टीट्यूशन दैट इज अलोंग विद मुंबई, इट्स जस्ट बिल्ड द सिटी। कमिंग फ्रॉम योर मॉम, हाउ इजी वाज इट? वेल, मेरी मम्मी ने जब स्टार्ट की थी, तब उसने स्टार्ट की ये सब स्ट्रीट फूड आइटम्स से, बिकॉज स्ट्रीट पे जो मिलती हैं जो चीज़ें, वो कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती थी उस वक्त। जो हार्ट है, जो कोर है, वो स्नैक्स है। स्नैक्स। नाउ इफ यू कुड प्लीज कॉल फॉर द स्टार, दाबेली। ओह, दाबेली, यस। खट्टे मीठे मसालों और आलू की स्टफिंग के साथ अनारदाना, मूंगफली और सेव डालकर बनता है गुजरात और कच्छ का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड दाबेली। नाइस, लुक्स सो गुड। मतलब अंदर से सेव जो है ना, वो झांक रहा है। इट्स लाइक स्माइलिंग एट यू। यस। हां, व्हिच इज सेइंग ईट मी नाउ। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल इवन टू लुक एट। यू नो, इट्स गॉट दिस पिंक एंड येलो एंड इट्स जस्ट प्रीटी। You know what's special for me about this dabeli? The fact that it's falling all over the place while I'm eating it, but it's just bringing out the child in me, and I don't care. It's messy and I'm loving it. That's great. यूं तो महाराष्ट्र में कई रीजन है, लेकिन महाराष्ट्र का हृदय जो है वो है मराठवाड़ा और सौराष्ट्र। और मराठवाड़ा की एक डिश है कोथंबीर वड़ी, द स्टार ऑफ मराठवाड़ा। कोथंबीर वड़ी इज द कोरिएंडर बेस्ड वन, राइट? एब्सोल्युटली। और मजे की बात यह है कि मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी में एक कोथंबीर वड़ी बिल्कुल फिट हो गई है। मुंबई की बेस्ट कोथंबीर वड़ी खाने के लिए हम जा रहे हैं आस्वाद। That's pretty nice actually, nice authentic Maharashtrian food. कोथंबीर वड़ी, थाली पीठ, मिसल पाव, इस टिपिकली आई मीन आई हैव दिस व्हेनेवर आई कम हियर। टेबल पे अभी तीन स्टार बैठे हुए हैं, एक जो है कोथंबीर वड़ी जो पूरे महाराष्ट्र की स्टार है, और आस्वाद की मिसल पाव इज बीन वोटेड द वर्ल्ड्स बेस्ट वेजिटेरियन डिश, और तीसरे स्टार है सूर्यकांत जी जिन्होंने एक्चुअली ये जगह शुरू करी आस्वाद और ये स्टार क्रिएट की। सर, खाना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले शुरू करते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम धंधा शुरू कीजिए। बेसन, हरे धनिए और तिल के मसालों के मिश्रण को पकाकर इसे इवनली फैलाया जाता है, फिर टुकड़ों में काटकर और तलकर बन जाती है कोथंबीर वड़ी। इसकी जो खूबसूरती है सर, मेरे को हर बार मैं यहाँ आता हूँ, सबसे अच्छी बात लगती है बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम नरम सॉफ्ट है, और धीरे धीरे जो कोरिएंडर का फ्लेवर आता रहता है ना मुंह में, मतलब देयर इज अ स्पेशलिटी ओनली जस्टिफाइज इट्स नेम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टेबल हियर इन दिस रेस्टोरेंट एनी टाइम ऑफ द डे, फ्रॉम द टाइम दे ओपन टू द टाइम दे क्लोज। And if you come here, every time you'll realize that he's trying to create something different from Maharashtra food. And that is the beauty of Aswad. Meethe mein hai Mawa cake, aur wo mere ek bahut purane dost ki pastry shop. जब मैं नया नया मुंबई आया तो मैंने एक होटल ज्वाइन किया, तो उस होटल में सब कुछ था, बहुत अच्छा स्टाफ था, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, एक पेस्ट्री शॉप नहीं थी बस। तो उस होटल के जो पेस्ट्री शेफ थे, उनका ये था कि मैं इस होटल में पेस्ट्री शॉप देखना चाहता हूँ, और बड़े टैलेंटेड पेस्ट्री शेफ थे, मतलब हिंदुस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन ऑफ द इंडियन पेस्ट्री टीम इन द एशिया पेस्ट्री कप। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा जुगाड़ लगा के उस होटल में एक पेस्ट्री शॉप खोली। उसके बाद
तो जो पेस्ट्री शेफ थे उन्होंने कहा नहीं एक नहीं मेरे को अब कुछ अपनी पेस्ट्री शॉप खोलनी, तो उनको फिर मैंने धक्के मार के नौकरी से निकाला और फिर उन्होंने अपनी पेस्ट्री शॉप खोली और आप जहाँ बैठी हैं ये उनकी पेस्ट्री शॉप है और ये वो पेस्ट्री शॉप है। और ये जो हम खा रहे हैं मावा केक, इसकी शायद इजाद ही नहीं हुई होती अगर मावे के बनाने के तरीके को जो पार्सीज ने शुरू किया तो प्रिजर्व मिल्क उसको क्रीम करके एक केक में नहीं डाला। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस केक व्हिच आई एम गोइंग टू हैव राइट नाउ फॉर ओल्ड टाइम सेक। थैंक यू। आमतौर पर जो है वो केक बटर को क्रीम करके बनते हैं शुगर के साथ, लेकिन इसमें रिचनेस के लिए मावा या खोया ऐड किया जाता है, समथिंग दैट डजंट हैपन एनीवेयर एल्स। इसकी जो खूबी है वो बाहर का क्रंच, अंदर की सॉफ्टनेस और साथ में फ्लेवर इलायची का। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस केक सो स्पेशल।